नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। इसकी कई यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग को लेकर टकराहट की स्थिति बन रही है। विवादित डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन गुरुवार शाम को कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई ने किया। इसके पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी में इसे दिखाए जाने को लेकर एसएफआई और एबीवीपी के लोगों के बीच भिड़ंत देखने को मिली। अब इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी दिखाए जाने की तैयारी चल रही है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एसएफआई ने जहां बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी, वहीं एबीवीपी ने कश्मीर फाइल्स को दिखाया। दो समूह के बीच झड़प देखने को मिली। बता दें 21 जनवरी को छात्रों के एक गुट ने प्रशासन से बिना किसी अनुमति के हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस मामले में दखल दिया और मामले को लेकर एक रिपोर्ट मांगी। यूनिवर्सिटी ने दोनों समूह को किसी भी फिल्म की स्क्रीनिंग ना करने का सुझाव दिया। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को प्रोपोगेंडा बताते हुए केंद्र ने इस पर रोक लगाई थी। इस प्रतिबंध के बावजूद एसएफआई ने गुरुवार को डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी। वहीं एसएफआई के अनुसार इस स्क्रीनिंग में करीब 400 छात्र मौजूद थे। वहीं एबीवीपी ने इसके जवाब में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग रखी। ये फिल्म कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर बनी है। इसे लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि उन्हें पता चला था कि छात्रों के एक ग्रुप ने हॉस्टल में स्क्रीनिंग रखी थी। उन्होंने बताया कि इस दौरान कैंपस के हालात सामान्य थे। इससे पहले एबीवीपी के छात्रों ने यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन भी किया। एबीवीपी का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें स्क्रीनिंग से रोक दिया, मगर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की इजाजत दी गई। गौरतलब है कि ये डॉक्यूमेंट्री दंगों के दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी की भूमिका की आलोचना करती है। गोधरा में ये दंगे तब भड़के जब कार सेवकों को ले जा रही एक ट्रेन की बोगी को जला दिया गया। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया के 13 छात्रों को, जिन्हें बुधवार को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग से पहले परिसर के बाहर हंगामा करने के आरोप में हिरासत में लिया गया, इन्हें गुरुवार को रिहा कर दिया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस दौरान डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग नहीं की जा रही थी। तो ऐसी और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।